हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने लाइक हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में देखा था। जो फर्स्ट वीडियो मैंने डाल रखा है, क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो मतलब आजकल आजकल के जो डेली लाइफ में जो हम लोग यूज कर रहे हैं, जबकि जो भी डेली लाइफ नहीं बोल सकते, लाइक जो स्टडी के पर्पस से जो हम लोग पीरियोडिक टेबल यूज कर रहे हैं, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ये जो पीरियोडिक टेबल है जो आप लोग यूज करते हो पढ़ाई के समय, ठीक है, उसको बोला जाता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्या बोला जाता है? लॉन्ग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, ये एक लॉ पे डिपेंड करता है। तो लास्ट क्लास में मैंने उस लॉ को बताया था, उस लॉ का नाम है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ये लॉ डिस्कस करने की कोई जरूरत है नहीं इस वीडियो में, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने इसको अच्छे तरीके से बता रखा है। क्योंकि मोसले ने जो दिया था उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके फिर हमारा जो बना, दैट इज कॉल्ड द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो कि किस लॉ पे डिपेंड करता है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। आया समझ में? ठीक है, यस सर। अब थोड़ा मैं डायग्राम दिखाता हूँ कि कौन सा मैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूँ आप लोगों से, है ना। तो देखिए, ये देखिए आप लोग स्क्रीन में दिख रहा है, आप लोग स्क्रीन में दिख यस रहा है ये। यस चलिए देखिए, हाँ अब सर जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो अब तुम बोलोगे सर इसमें पीरियड्स एंड ग्रुप्स क्या होता है। सबसे पहले पीरियड्स एंड ग्रुप्स क्या होता है, तो आप लोग ये बताओ मुझे, हॉरिजेंटल रो एंड वर्टिकल कॉलम। तो हॉरिजेंटल रो को हम लोग बोलते हैं, हॉरिजेंटल रो को हम लोग बोलते हैं पीरियड्स। क्या बोलते हैं? यस एक सेकंड रुकना, माउस थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। और दूसरा, एक सेकंड, अब ठीक। अब दूसरा है हमारा वर्टिकल। वर्टिकल कॉलम जो है उसको बोलते हैं हम लोग ग्रुप्स। ठीक है, तो ये टोटल पीरियड्स कितने हैं हमारे पास? 7 पीरियड्स हैं, और ग्रुप कितने हैं हमारे पास? टोटल 18 ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो वर्टिकल में क्या आया था? ग्रुप्स का मतलब इसकी बात कर रहा हूं, इसकी 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 इसकी, दैट इज कॉल्ड द ग्रुप। आया समझ में? ये टोटल 18 है हमारे पास। देखो आप लोगों को दिख भी रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, और ये 18। आया समझ में? ये 18 है। क्लियर है? कोई यस दिक्कत सर नहीं। नो सर अब जरा ध्यान से देखना, ये तो ग्रुप की बात हो गई, और ये हमारा हो गया, क्या हो गया? ये हमारा पीरियड्स। आया यस समझ में? दिक्कत? हाँ सर चलिए आगे यस बढ़ते हैं, और इस के बारे में जानते हैं हम लोग। क्या जानते हैं? चलिए देखिए, सबसे पहले मुझे ये बताइए, ये जो ग्रुप है ना, ग्रुप ग्रुप मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? वर्टिकल कॉलम की बात कर रहे हैं। अगर मैं ग्रुप की बात करूं, ग्रुप की बात करूं, ग्रुप की बात करूं, तो यहाँ पे स्टार मार्क करके मैं लिख देता हूं, एलिमेंट इन अ ग्रुप हैज द सेम सिमिलर प्रॉपर्टी। क्या बोल रहा हूं मैं? एलिमेंट्स एलिमेंट सेम इन अ ग्रुप, इन अ ग्रुप हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज। अब क्या है ना, मॉडर्न पीरियोडिक मतलब कि जो लॉ है उसमें एक चीज बोला गया था कि आफ्टर सम इंटरवल जो प्रॉपर्टी है ना, वो जो ये एलिमेंट है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करता है, मतलब दिखाता है, आपको पता था। तो अब तुम बोलोगे सर वो कौन सा फिक्स्ड इंटरवल है, मतलब कि वो कौन सा इंटरवल है जिसके बाद वो सिमिलर शो करेगा? तो दैट इज कॉल्ड द मैजिक नंबर। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मैजिक नंबर। अब देखो मैजिक मैजिक नंबर क्या होता है ये मैं बता देता हूं, 2 8 8 18 18 32, दिस इज कॉल्ड द मैजिक नंबर। ठीक ओके है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला मैजिक नंबर है। ठीक है,
अब ये तुम बोलोगे सर ये मैजिक नंबर का यूज क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस मैजिक नंबर। तो देखो पहले ये मैजिक नंबर लिख लो आप लोग, फिर मैं बताता हूँ कौन कौन से ग्रुप में कौन कौन सा मैजिक नंबर लगेगा। देखिए ये जो मैजिक नंबर मैंने लिखा है, ये जो मैजिक नंबर मैंने लिखा है ये लगेगा आपका, ये जो मैजिक नंबर मैंने लिखा है ये मैजिक नंबर लगेगा आपका ग्रुप वन एंड ग्रुप 18 में, ग्रुप वन एंड ग्रुप 18 में लगेगा ये वाला मैजिक नंबर। अब चलिए देखते हैं मैजिक नंबर कैसे लगता है। देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, वन वन। हेलो, अब ये पहले वाले मैजिक नंबर से इसको ऐड कर दो, वन प्लस टू क्या हो गया, थ्री थ्री। अब थ्री को दूसरे वाले मैजिक नंबर से ऐड कर दो, थ्री प्लस एट क्या हो जाएगा, इलेवन। फिर इसको तीसरे वाले मैजिक नंबर से ऐड कर दो, इलेवन प्लस एट क्या हो गया, नाइनटीन। फिर इसको ऐड कर दो एटीन से तो आ जाएगा ये, फिर आ जाएगा ये, फिर आ जाएगा ये, आया समझ में। और वैसे ही ग्रुप वन और ग्रुप 18, 18 में देखो एटॉमिक नंबर टू है, टू में पहला वाला ऐड कर दो, टू टू, टू में ऐड कर दो, ये तो टू ऑलरेडी है ना, ये तो टू ऑलरेडी है, ये तो टू ऑलरेडी है, तो टू में एट ऐड करेंगे ना तो टेन आ गया, आया समझ में। फिर टेन में क्या ऐड करेंगे, एट ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा, आ रहा समझ में। यस सर। अब 18 में क्या ऐड कर देंगे जो 36 हो जाएगा, 18 ऐड करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो ऐसे ऐड करते रहेंगे तो मेरा काम बन गया, ग्रुप 1 का और ग्रुप 18 का काम बन गया हमारा, ठीक है। ये हमारा इस मैजिक नंबर से हम एटॉमिक नंबर ये सारे एलिमेंट का हम बता पा रहे हैं, आया समझ में। चलो इसके बाद आता है ग्रुप 13 to 17। अच्छा ये ग्रुप 1 और 18 को कौन सा ग्रुप बोलते हैं, लिख लो इसको बोलते हैं, अच्छा ग्रुप वन और 18 नहीं, ग्रुप वन एंड टू को बोलते हैं एस ब्लॉक, या तो लिख लो इस ग्रुप को बोलते हैं एस ब्लॉक, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, अब हम लोग जा रहे हैं 13 to 17 वाले पे, 13 to 17 वाले पे जा रहे हैं, ठीक है। यस सर। चलिए वैसे तो 13 to 18 होता है पी ब्लॉक, ये भी लिख लो 13 to 18, पहले मैं ब्लॉक ही लिखवा देता हूँ, ये एस ब्लॉक हो गया, ये पूरा का पूरा लिख लो, इसको बोलते हैं क्या, पी ब्लॉक, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक, लिख लो यहाँ पे पी ब्लॉक, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, ये पूरा येलो वाला, इसको बोलेंगे हम लोग डी ब्लॉक, क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक। और ये नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक, देखो एफ तो लिखा ही हुआ, ये नीचे वाला एफ ब्लॉक, आया समझ में। Yes, sir. मैं एक बार क्लियर करके फिर से लिख देता हूँ ब्लॉक का नाम, अगर आप लोगों को क्लियर नहीं हो रहा है। इस ब्लॉक को क्या बोलते हैं रिया, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक। 13 to 18 वाले ब्लॉक को क्या बोलते हैं, बी ब्लॉक, बी ब्लॉक। 3 से 12 वाले ब्लॉक को क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक। और नीचे वाला एफ ब्लॉक, ये क्लियर है। चलो अभी हमने बोला था मैजिक नंबर अभी कौन कौन से ब्लॉक में लग रहा था, मैजिक नंबर लग रहा था 1 और 18 वाले ब्लॉक, 1 and 18 वाले में वो वाला मैजिक नंबर लग रहा था, तो 1 और 18 का एटॉमिक नंबर हम आराम से फाइंड आउट कर ले रहे थे। अब हम लोग जाते हैं 13 to 17 वाले पे, तो 13 to 17 वाले पे मैजिक, देखो इसमें कौन सा मैजिक नंबर लग रहा था, 1, 2, 8, 8, 18, 18, 32, ठीक है। अब ये 13 to 17 वाले पे ना आगे का दो एलिमेंट तुम कैंसिल आउट कर दो, ये वाला और ये वाला हटा दो। अब बोलो क्यों हटा दिया सर आपने, अब बोलो क्यों हटा दिया, देखो ध्यान से देखना 13 to 17, हेलो आ रही है आवाज, हाँ सर। देखो ध्यान से देखना, मैंने ये दोनों हटा दिया तो 13 का देखो 5 से स्टार्ट एटॉमिक नंबर इसका क्या 5 है, अब 5 पे देखो 8 ऐड करो, यहाँ पे काम करेगा 8, 18, 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
8 ऐड करो आ गया 13, 13 में अब 18 ऐड करो आ गया 31, 31 में वो ऐड करो आ जाएगा, आया समझ में?
ओके सर, अब आगे बढ़ते हैं फिर से। अब जरा ध्यान से देखिएगा एटॉमिक नंबर, मतलब कुछ पूरे टेबल में एक ध्यान देने वाली बात क्या है कि सर आपने इसका बता दिया, इसका बता दिया, इसका 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 बता दिया, और सर बाकी कैसे लिखेंगे? लिख लो, थ्री के बाद क्या आता है? ये थ्री पता चल गया तो थ्री के बाद क्या आता है? फोर। आया समझ में? अब ये इलेवन पता चल गया था, इलेवन के बाद क्या आएगा? ट्वेल्व। नहीं आया समझ में? आ गया सर, आ गया। उसके बाद देखो ये 19 था, 19 के बाद क्या आएगा? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. आया समझ में? ओके। 31, 32, 33, 34, 35, 36. फिर 37 तो पता था मुझे, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. 55, 56, 57. अब देखिए 57 के बाद थोड़ा सा ड्रामा स्टार्ट हो गया। अब देखो 57 के बाद कुछ आ रहा है, क्या दिख रहा है आप लोगों को 57 के बाद? 72 है। अब बोलो सर ये कैसे हो गया? तो देखो ध्यान से, 57 के बाद जो 58 टू 71 वाला एलिमेंट है ना, उसको नीचे लेके चले गए और उसको लैंथेनॉइड बोला गया। क्या बोला गया? लैंथेनॉइड। क्यों बोला गया? क्योंकि लैंथेनियम, जो लैंथेनियम है ना, लैंथेनियम, वहां से ये ब्लॉक हटा है। आया समझ में? इसलिए इसको लैंथेनॉइड बोला गया। आया समझ में? तो वो 58 टू 71 हम लोग नीचे लिखते हैं, फिर 72 से स्टार्ट हो जाएंगे। आया समझ में? ओके सर। 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. अब देखो फिर से ये 104 आ गया, तो 89 के बाद क्या आता? 90। तो इसको यहाँ पे लिख दिया गया 90, 91, 92, 93, 94, 95, कहाँ तक? 103 तक। तो 103 के बाद अब देखो ध्यान से, इसको एक्टिनॉइड्स क्यों बोला गया? क्योंकि ये कहां से? एक्टिनियम, एक्टिनियम से ये हटा। आया समझ में? एक्टिनियम से ये हटा, इसलिए इसका नाम एक्टिनाइड्स पड़ गया, एक्टिनॉइड्स बोल गया, जो भी तुम बोल रहे हो, ठीक है? उसके बाद तुम्हारा 104, 105, 106 ये चलता चला गया, ठीक है? अब देखो तुम्हारे सिलेबस में जो है ना, इतना वास्ट आप लोगों को नहीं पढ़ना तुम्हारे सिलेबस में, ठीक है? तुम्हारे सिलेबस में इतना वास्ट आगे आप लोगों को नहीं पढ़ना है, क्लियर है? तो आप लोगों को पढ़ना क्या है? आप लोगों अगर मेनली तुम करो तो मुझे लगता है 55, 56 तक डेट इज अनफ, बट पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना, इसलिए मैंने पूरा अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया है, ठीक है? अब आप लोग बोलोगे कि सर ये जो इतना सारा एलिमेंट का नाम है वो याद कैसे करेंगे सर? ये तो मेन मुद्दा है, ये याद कैसे करेंगे सर? क्योंकि देखो कोई भी बच्चा, जैसे मान लो नीट की तैयारी कर रहा है, कोई बच्चा ICR की तैयारी कर रहा है, या कोई बच्चा JEE Mains Advanced की तैयारी कर रहा है, तो ये पीरियोडिक टेबल जो है ना उसके दिमाग में छपा रहना चाहिए। आया समझ में? तो अब क्या है कि सर ये इतने एलिमेंट है, तो उसका याद करने का कोई तरीका है क्या, टेक्निक है क्या? एकदम एकदम है, और मैं बता रहा हूँ आपको टेक्निक कैसे याद करके रखोगे। पहला ग्रुप की बात करते हैं, पहले ग्रुप में क्या है? हाइड्रोजन है। क्या है पहले ग्रुप में? हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है ना, ये है। तो याद देखो कैसे करेंगे। एच के लिए लिखो है, एच के लिए लिखो है, लिथियम के लिए लिखो लीना, हे लीना, मतलब ये लिथियम सोडियम के लिए लीना आ गया, ठीक है, हे लीना। पोटासियम के लिए आ जाएगा कि हे लीना की रब से फरियाद, रब से फरियाद। आया समझ में? ओके। तो पहला ग्रुप के लिए लिख लो है लीना की रब से फरियाद। चलिए फिर सेकंड ग्रुप का लिखिए, सेकंड ग्रुप का लिखिए आप लोग, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। लिख लिया? ठीक है, अब इधर आ जाओ, 13 वाले पे आ जाओ, 13 वाले पे ये वाला लिखो,
बैगन आलू गाजर इन थैला बैगन आलू गाजर इन थैला ओके फिर इसके लिए लिख लो इसके लिए लिख लो काशी काशी गए संत प्रभु काशी गए संत प्रभु ठीक है इसके लिए लिख लिए लो ना पास ये ना पास ये पूरा ना पास सब बकवास ना पास सब बकवास ठीक है फिर 16 के लिए लिखो ओह स्टाइल से तेल पॉलिश ओ स्टाइल से तेल पॉलिश ये सब एलिमेंट का नाम भी तुम लोगों को मैं सेंड कर दूंगा अभी ठीक है अभी तुम लोग एलिमेंट का सारा नाम भी दे दूंगा ठीक है उसे टेंशन लेने वाली बात नहीं अभी बस शॉर्टकट याद करो ठीक है फिर ग्रुप नंबर 17 का फिर कॉल करने बाहर आई आंटी फिर कॉल करने बाहर आई आंटी ठीक है फिर इसके लिए लिखो 18 के लिए लिखो ही नेवर अराइव्स का जीरो पे रन आउट ही नेवर अराइव्स कर जीरो पे रन आउट अब देखो पे आउट मैंने लगा दिया ये कोई पे आउट का है ना यहाँ पे कोई है नहीं आया समझ में कोई एलिमेंट है नहीं बट उसको सेंटेंस को पूरा कंप्लीट करने के लिए बोल दिया मैंने ठीक है चलो अब आगे चलते हैं हम लोग इस पे आ जाते हैं थर्ड वाले पे आ जाओ थर्ड वाले पे है स्कूटर यामाहा लाऊं एक स्कूटर यामाहा लाऊं एक इसके लिए लिख लो टी जरा हाफ ये तो ऐसे ही हो गया टी जरा हाफ इसके लिए लिख लो टी जरा हाफ इसके लिए लिख लो वो नवाब थे देखो ये एलिमेंट की बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये है नहीं आप लोगों सिलेबस में ठीक है ये एलिमेंट की बात नहीं करूंगा ठीक है ये एलिमेंट की बात नहीं करूंगा एक कार्ड भी लेना तुम लोग अपने उसमें ठीक है उसके बाद देखो ग्रुप 6 की बात हो रही है हेलो आ रही है आवाज हाँ सर क्रोमाटा अब देखो डब्ल्यू में टी क्यों लगाया मैंने क्योंकि टंगस्टन होता है इसका डब्ल्यू का समझे तो इसलिए बोल रहा हूँ क्रोमाटा आया समझ में जब एलिमेंट का नाम मैं दूंगा ना तो तुम लोग क्या करना एलिमेंट का सारा नाम लिखना और जो शॉर्टकट मैंने बता रहा हूँ ना उस पर फिर देखना पूरा एकदम समझ में आ जाएगा आया समझ में देखो मैं एलिमेंट का नाम भी तुम लोगों को शो कर देता हूँ कि कौन वाला मैं सेंड करूंगा आप लोग ये देखो दिख रहा है एलिमेंट का नाम हेलो यस सर दिख रहा दिख रहा यही वाला मैं सेंड कर दूंगा तो अभी जरा ध्यान से देखना एक सेकंड कौन सा एलिमेंट नंबर था जो टंगस्टन था देखो दिखाता हूँ एक सेकंड ये देखो कहाँ गया हमारा टंगस्टन 74 ये 74 तो हम लोग देखेंगे 74 तक है इसमें हाँ 74 है देखो 74 में टंगस्टन है नीचे एकदम ध्यान से नीचे देखो है ना तो डब्ल्यू करके टंगस्टन दे रखा तो ये भी तुम लोगों को सेंड कर देंगे तो नाम पहले पढ़ लेना तो बहुत मजा आएगा वो वाला जो शॉर्टकट बता रहा हूँ करने में बड़ा मजा आएगा चलो टंगस्टन तक हो गया हमारा अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एक सेकंड आगे बढ़ते हम लोग कौन सा टंगस्टन हो गया हाँ अभी आ गया ये हो गया मन तक रे लिख लो मन तक रे इसका लिख लो फे रस लिख लो ठीक है इसका लिख लो कौन रहेगा आयरलैंड रिया बोलेंगे हमारे आलू मामू हाँ रिया
तुम ये मत बोलना ना सर, ग्रुप नंबर 9 में आप बोले थे कौन रहेगा आयरलैंड, तो आलोक मामू, हाँ आलोक मामू मत बोलना। चलो आगे, ग्रुप नंबर 10, ग्रुप नंबर 10 में क्या बोलेंगे हम लोग? नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, है ना, नहीं पढ़ोगे तो पिटाओगे, ऐसे करके लिख दो। नहीं पढ़ोगे तो पिटाओगे, ठीक है। फिर ग्रुप नंबर 11 में लिखो कौन आगे आएगा, कौन आगे आएगा, ठीक है। लास्ट 12 वाला लिख लो, जेनी कनाडा होगा, जेनी कनाडा होगा, होगा, ठीक है। अब ये एलिमेंट सारा का नाम मैं दे दूंगा, बट हाँ ये याद, ये ध्यान में रखना कि आप लोग लाइक 55 तक तो एकदम आप लोगों को एकदम एटॉमिक नंबर, सारा का प्रॉपर्टी वगैरह सारा एकदम एकदम दिमाग में एडजस्ट होना चाहिए। बाकी का रेयर कैसे कि वो लोग पूछते हैं, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में ये सारा कुछ बताना था, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। अब ध्यान से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग करेंगे ना, नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग करेंगे, हेलो आ रही आवाज, आवाज आ रही मेरी? हाँ, नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग करेंगे वो करेंगे जो भी हम लोग एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक एफ ब्लॉक में जो बांटे हैं इस पीरियोडिक टेबल को, क्यों बांटे हैं, रीजन क्या है, तो वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आया समझ में? तो ये जो सारी चीजें मैंने आप लोग को आज करवाई है, तो ये स्क्रीनशॉट लेना है तो इस पीरियोडिक टेबल का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी अभी मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, वहां पॉज करके आप लोग ले सकते हो। बाकी जो मैं आप लोग को अभी सेंड कर दूंगा एलिमेंट का नाम, वो आप लोग को लर्न करने हैं सारे, उसके बाद जो मैंने शॉर्टकट बताया उसको एडजस्ट करके सारा एटॉमिक नंबर लाइक फिर हर एक ग्रुप में कैसे कैसे सारा अरेंज है, ये सारा आप लोग के दिमाग में एडजस्ट हो जाना चाहिए, ये आप लोग का वर्क है अभी, ठीक है। बाकी कल हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको एस ब्लॉक में क्यों रखा गया है, इसको पी ब्लॉक में क्यों रखा गया है, इसको डी ब्लॉक में क्यों रखा गया है ना, इसको नीचे एफ ब्लॉक में क्यों भेज दिया गया है ना, तो ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को सारा कुछ समझ में आया होगा, कोई दिक्कत है कोई डाउट है तो पूछिए आप लोग। नो सर, समझ आ गया। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग से।